हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं विक्की मिश्रा आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही यम्मी सी और टेस्टी सी रेसिपी, जो कि गर्मी स्पेशल भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको बनाना भी बहुत इजी है, बहुत कम चीज़ों से बन जाता है और मतलब बिल्कुल मछली के जैसा स्वाद आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। एक तरह से आप इसको वेज फिश करी भी बोल सकते हो। इसका पीसेस देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मछली जैसा ही लग रहा है। और खाने में भी जो सरसों का मसाला होता है ना, बिहारी मछली, बिल्कुल वैसा लगता है। और ये बिहार का ना ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसको ना हम अरवी के पत्ते की सब्जी है ये, और इसको हम अरवी के पत्ते की लपेटुआ सब्जी बोलते हैं, मतलब हमारे बिहारी भाषा में ऐसा बोला जाता है। और ये देखिए भोजपुरी में, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर, जितना सुंदर ये दिख रहा है ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुआ है। आप भी इसको ज़रूर से बना के ट्राई करिएगा, बहुत ईजी सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए ना हमने ले लिया है यहाँ पर अरवी के पत्ते। ये देखिए आप नरम नरम सा अरवी के पत्ते ले लीजिएगा, इसको अच्छे से धो लीजिएगा। और धोने के बाद फिर हम इसको बनाएंगे। इसको ना मैंने रात सुबह में शाम में तोड़ा था और फिर मैं सुबह में इसे बना रही थी, रात को मैंने फ्रीज में रख दिया था, इसलिए थोड़ा सा पत्ते थोड़ा सा मुलायम हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ताजे हैं और टेस्टी भी बहुत ही अच्छा लगता है ये। यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, इसमें डाल दिया मैंने जीरा, धनिया और काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। और इसका ना बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट बनाएंगे हम इसका, अभी इसको हाथों से अच्छे से ये करके मिक्स कर लेंगे और इसका ना बहुत ही थिक पेस्ट बनाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डाल के, इधर देखिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और डाल के ना, और इसका बहुत ही अच्छा थिक सा पेस्ट बना लेते हैं हम। ये देखिए ऐसे ही, क्योंकि इसको ना हमें इसमें लगा के और इसको लपेटना, थोड़ा सा मैं इसे फेंट लेती हूँ ताकि जो भी इसमें दाने हो, गुठलिया हो, जो भी हो वो अच्छे से हो जाए। देखिए ये इसको बहुत अच्छे से ऐसे हम मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद मैंने एक थाली लिया है, बड़ा सा थाली है, और इसको ना मैंने पलट दिया है। पलट के एक बड़ा पत्ता लेंगे पहले, और इसको ना हम जो सीधा वाला भाग है ना उसको पीछे कर देंगे और जो उल्टा वाला भाग है उसको ऊपर कर देंगे। और इसको जो हमने बेटर तैयार करके रखा था ना घोल, उसको हम हाथों में लेंगे और ऐसे सारे पत्तों पे अच्छे से फैला लेंगे हम इसे। इससे ना सारे पत्ते एक में जुड़ जाते हैं और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए मैं उसको ना थोड़ा सा तोड़ देती हूँ जो डंठल है उसको, और ऐसे मिला लेती हूँ। और इसको हम फिर इसके ऊपर एक और पत्ता रखेंगे। ये देखिए फिर एक पत्ता मैंने और रखा, इसको मैंने सीधे ही तरफ से रखा है, उसको इसलिए उल्टे तरफ से रखा था ना, मतलब सीधा भाग पीछे कर दिया था ताकि वो देखने में सुंदर दिखेगा। और ये देखिए इस पे भी पूरा अच्छे से हम हाथों से लगा लेंगे इसको। ये ना बिहार की ट्रेडिशनल रेसिपी है, मेरे घर पे ना बहुत पहले से, मतलब मेरी दादी, मेरी मम्मी भी बनाती थी, तो मैंने उनको देख के इसको सीखा है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये सब्जी, और बनाते भी थे वो लोग, मतलब बहुत अच्छे से बनाते थे। उन लोगों जैसा तो मैं नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैं भी बहुत टेस्टी बनाती हूँ। उन लोगों का ना एक अलग ही स्वाद होता है, मतलब किसी किसी के हाथ का कोई चीज़ ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे मेरी जो चाची है ना, मेरी आंटी, वो ये वाली सब्ज़ी बनाती थी ना, उनके हाथों का बहुत ज़्यादा टेस्टी होता था। जब मैं अपने मायका जाऊँगी ना, तो फिर मैं वहाँ पर आप एक बार उनसे बनवा के आपको ज़रूर से बताऊँगी। और ये देखिए ऐसे ही हम पत्ते रखते जाएंगे, और रख रख के उस पर जो हमारा बेसन का जो घोल हमने बनाया है गाढ़ा सा, उसको लगाते जाएंगे। पहले मैंने बड़े पत्ते रखे, फिर छोटे पत्ते रखे। ये जो छोटे वाले सब पत्ते हैं ना, ये बहुत ही अजू पत्ते हैं, मतलब बहुत क्या बोलते हैं, मुलायम है, तो इसका ज़्यादा अच्छा बनता है। और ये देखिए इतना सारा हमारा हो गया ना, तो फिर मैं इसको मोड़ देती हूँ साइड साइड से थोड़ा थोड़ा, देखिए इधर से, ताकि कहीं से भी खुले नहीं ये। और फिर हम इसका रोल बना लेंगे एक अच्छे से। ये देखिए एक अच्छा सा हम इसको रोल बना के, और फिर इसके मुंह पे ना थोड़ा सा और मैं लगा दूंगी वो बेसन का घोल, ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। ये देखिए, और इसको ना हम स्टीम कर लेंगे भाप से, इसको मतलब पकाएंगे हम।
ताकि ये सारी चीज़ अच्छे से पक भी सट भी जाए और जो हमने इसमें बेसन डाला है वो पक भी जाए अच्छे से। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में बड़ी कढ़ाई ली है और उसमें पानी गर्म करके और फिर पानी जब हमारा खोलने लगा था ना तो फिर मैंने उस पर से ये छन्नी रख दी हूँ बड़ी वाली और उस पर रख के और इसको ढक दी हूँ अच्छे से। इसको 5-6 मिनट तक हम पकाएंगे और पका के इसको पहले 3-4 मिनट तक पकाएंगे फिर इसको उलट पुलट देंगे हम एक साइड से ताकि ऊपर वाला जो भाग है वो भी अच्छे से हो जाए। और फिर हम इसको निकाल के और इसके जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसका पीसेस कट करेंगे। बिल्कुल मछली के जैसा, जो जैसे मछली का पीस होता है ना बिल्कुल वैसा ही होता है। इसमें मसाले भी वही पड़ते हैं जो सरसों वाले मछली में पड़ती है, वही मसाले पड़ते हैं। इधर देखिए 5 मिनट हो गया है, मैं इसको खोल के देख लेती हूँ। बहुत जल्दी हो जाता है ये, इसका पता है तो बहुत जल्दी हो जाता है। और ये बहुत अच्छा सा हो गया था तो मैंने उसको बंद कर लिया। यहाँ पे ले लिया है मैंने सरसों, थोड़ा सा ही सरसों लिया है क्योंकि मेरे पास ये जो अरवी के पत्ते हैं वो कम है इसलिए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 लहसुन और इसको हम अच्छे से छील के और पेस्ट बना लेंगे। इसका लहसुन का हम जो छिलका होता है ना उसको निकाल लेंगे और इसका अच्छे से पेस्ट बना के और रख लेंगे। तब तक जब तक हम सरसों लहसुन को पीस रहे थे ना तब तक हमारा ये भी ठंडा हो गया है पीसेस हमारा, तो इसको हम अच्छे से कट कर लेते हैं। ये देखिए जे मतलब अरवी के पत्ते का बिल बहुत ही अच्छे से इसका पेस्ट मतलब इसको ना हम पीस में कट कर लेंगे। बहुत अच्छे से जल्दी से कट भी जाता है ये। मेरा चाकू थोड़ा तेज़ नहीं है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और जो हमारा थोड़ा सा घोल बच गया था ना फ्रेंड्स उसी घोल में थोड़ा हम ज़्यादा पानी डाल के एकदम पतला सा घोल उसका बना लेंगे। आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए इसी बर्तन में मैंने घोल बनाया था ना, थोड़ा सा घोल हमारा बच गया था बेसन का, इसका मैंने बिल्कुल पतला सा घोल बना के तैयार कर लिया है। और कढ़ाई में हमने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, हाई फ्लेम कर लीजिएगा तेल, मतलब अच्छे से गर्म हो जाए पूरा। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं हमारे अरवी के पत्ते का जो हमने पीसेस तैयार किया है उसको, और डाल के इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे उलट पुलट के। आप बिना फ्राई किए भी बना सकते हो लेकिन इसको थोड़ा फ्राई कर लेते ना तो और भी ज़्यादा टेस्ट आता है इसका। ये देखिए इसको हम उलट पुलट के पहले सबको डाल लेते हैं फिर उलट पुलट के फ्राई कर लेते हैं और फिर हम बना मतलब इसको निकाल लेंगे फ्राई करके। और फ्रेंड्स पता है जब भी मैं ये वाली सब्ज़ी बनाती हूँ ना मुझे इतना ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना लगता है। और मैं ना दिन में 2-3 बार खाना खा लेती हूँ चावल के साथ, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप भी जैसे मैं बना रही हूँ ना बिल्कुल वैसे ही बना के और फिर चावल के साथ खाइएगा ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप एक बार बना के देखिएगा फिर आप बार बार बनाइएगा, मुझे मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ये वाली सब्ज़ी। ये देखिए और इसको मैं सबको निकाल लिया है, उसके बाद मैंने उसको निकाल दिया तेल को और फिर मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया उसी कढ़ाई में। और इसके बाद मैंने इसमें पचफोड़ना डाल दिया है जिसमें मेथी, अजवाइन, सौंफ, कलौंजी और जीरा रहता है। और उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया, टमाटर डाल के मैंने थोड़ा सा ढक दिया था इसको और फिर इसको मैं चला लेती हूँ क्योंकि ये उड़ रहा था ना टमाटर में थोड़ा पानी होता है तो इसलिए। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं नमक, नमक डाल के हम इसको चला के और फिर ढक देते हैं थोड़ा देर के लिए ताकि जो टमाटर है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से मैश हो जाए सब्जियों में। और ये देखिए थोड़ा सा और मैं नमक डाल देती हूँ, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। और ये देखिए टमाटर हमारा थोड़ा सा भुन गया है अच्छे से। अब हम इसमें डाल देते हैं जो सरसों और लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाया था ना उसको। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं ना, हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें जीरा, धनिया और काली मिर्च का जो मिक्स मसाले होते हैं ना जो सब्ज़ी में डलता है उसको भी हम बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। आपने देखा मैंने डाला भी बिल्कुल थोड़ा सा। और इसको हम मिक्स करके थोड़ा सा इसमें पानी भी मैं ऐड कर देती हूँ ताकि ये मसाले हमारे जले नहीं और बहुत ही अच्छे से भुन जाए। ये देखिए मैं इसमें जो हमारे प्लेट में जिसमें मैंने सरसों और लहसुन पीसा था ना उसी में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने डाल दिया ताकि उसमें जो मसाले सटे हुए थे वो भी आ जाए। और इसको हम बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक साइड साइड से तेल नहीं छोड़ने लगे ना तब तक हम इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको ढक के और फिर खोल खोल के चलाते रहेंगे बीच बीच में और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे ये आम का अचार, जो हमारे घर का बना हुआ आम का अचार है, इसका टेस्ट तो इस सब्ज़ी में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। जैसे जैसे फ्रेंड्स मैंने बनाया है ना बिल्कुल ही आप ऐसे बनाइएगा ना, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और जैसे मैंने बनाया बिल्कुल वैसे बनाइएगा तो आप
यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और मैं एक और चीज़ बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये अरवी के जो पत्ते होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं, बहुत ठंडे मतलब होते हैं, तो इसको ना हम गर्मी के दिनों में अभी बना के खाएंगे ना, तो हमारे बहुत अच्छा होगा, पेट के लिए बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा ये, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और फ़ायदेमंद भी होगा, क्योंकि गर्मी का दिन है और इसमें हम ठंडी ठंडी चीज़ें खाएंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये देखिए, और ये तेल छोड़ने लगा है साइड साइड से, हमारा बहुत अच्छे से मसाले जो है वो भुन गए हैं, तेल भी छोड़ने लगा है थोड़ा, तो इसमें हम डाल देते हैं पानी ग्रेवी के लिए। पानी थोड़ा सा ज़्यादा आप इसमें ऐड करिएगा, क्योंकि जो हमारी सब्ज़ी है ना वो थोड़ा सा रस को ना, जो पानी है ना उसको सोखती है, तो इससे ना बाद में सब्ज़ी बहुत गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए आप थोड़ा सा जो है पानी ज़्यादा ऐड करिएगा। और इसमें पानी डाल के मैंने इसको ढक दिया है, ढकने के बाद जब ये खोलने लगेगा ना, फिर हम इसमें डाल देंगे अपना जो हमने अरवी के पत्ते जो तैयार करके रखे थे ना, उसको हम इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद हम इसको खोला लेंगे, बस 2-3 मिनट ही इसको खोलाएंगे, हमें ज़्यादा खोलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे अरवी के पत्ते होते हैं ना, वो पहले से ही बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, इसमें हमने इसको फ्राई भी करी है और भाप से भी पकाया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पहले से ही पूरा मतलब पक चुका है, तो इसको सिर्फ हमें सॉफ्ट करना है, मतलब थोड़ा सा जो ग्रेवी इसके अंदर चले जाए, बस इतना ही हमें इसको थोड़ा सा खोलाना है, और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, इसको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स। और ये देखिए, पूरे सब्ज़ी को बनाने में ना 15 से 20 मिनट ही लगता है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बन के रेडी होता है। उसको मैंने बंद कर दिया था 3 मिनट खोला के, और उसके बाद थोड़ा देर के बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया, और ये देखिए हमारी सब्ज़ी कितना ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुई है। ऊपर से आप चाहो तो धनिया के पत्ते डाल दो, कस्तूरी मेथी डाल दो, जो आपको डालना है, और कस्तूरी मेथी तो ज़रूर से डालना, धनिया के पत्ते ऑप्शनल है, डालो नहीं डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कस्तूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, और धनिया के पत्ते ऑप्शनल है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और ये देखिए कितना टेस्टी सा हमारा सब्ज़ी बन के रेडी हो गया है, तो आप भी बनाइए और खाइए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपने बनाया तो आपका कैसा बना था, और हमारा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, ये जो ग्रेवी है ना थोड़ी देर के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, और इसको चावल के साथ खाइएगा, मतलब गजब का टेस्ट आता है इसका, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप भी एक बार अपने घर पर ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बनाइए खाइए और कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स। और वीडियो अभी तक आप लोगों ने देख ही लिया है तो इसे लाइक भी कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कमेंट तो ज़रूर से करिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करिएगा। बाय बाय।